गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। कल की वर्चुअल क्लास में हमने पाठ 14 किस दर जाऊं मैं, इस प्रार्थना का भावार्थ किया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भक्त भगवान के दर को छोड़कर किसी और के दर पर जाना क्यों पसंद नहीं करता। बच्चों, प्रार्थना में आपने पढ़ा, भक्त भगवान के दर को छोड़कर किसी अन्य के दर पर जाना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी समस्या को और कोई भी सुनता नहीं है। क्योंकि समाज में क्या करते हैं, पहले तो सब किसी की बात को सुन लेते हैं, किसी की समस्या को सुन लेते हैं, लेकिन फिर समाज क्या करता है, बाद में हंसी उड़ाता है। लेकिन परमात्मा ही एकमात्र ऐसा सहारा होता है जो मनुष्यों का, अपने भक्तों का कभी भी मजाक नहीं बनाता। दूसरा प्रश्न है, भगवान की याद भुलाने का क्या परिणाम हुआ। तो बच्चों, भगवान की याद भुलाने का क्या परिणाम हुआ, इस भक्त के माध्यम से बताया गया, इस प्रार्थना के माध्यम से, कि भगवान की याद भुलाने से मनुष्य को लाखों कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भक्त भगवान से क्यों शर्म महसूस करता है। भक्त भगवान से इसलिए शर्म महसूस करता है क्योंकि उसने भगवान को जब भुला दिया तो जो विषय वासनाओं में फंस गया, तो उसने अनेक प्रकार के पाप कर्म किए, इसलिए उसे अब भगवान से शर्म महसूस होती है। जबकि भगवान बहुत दयालु है, वो अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेता है। अगला प्रश्न है, भगवान से मिलने में भक्त को कौन रुकावट पैदा करते हैं। तो बच्चों, भगवान से मिलने में भक्त को भक्त के द्वारा किए गए पाप कर्म ही रुकावट पैदा करते हैं, क्योंकि उसे आत्मग्लानी होती है। जब आत्मग्लानी होती है, उसे पता होता है कि मैंने क्या गलत कार्य किया है, और वही जो पाप कर्म होते हैं वो व्यक्ति को भगवान से मिलने में बाधा प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, भक्त के होश में आने का क्या उपाय है। भक्त के होश में आने का उपाय है ईश्वर का ज्ञान रूपी छीटा। यानी जब व्यक्ति की आत्मा जागृत हो जाती है, वो अच्छे और बुरे का भेदभाव जानने लगती है, तो जो भक्त है फिर कोई भी गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि जब उसे पता होता है कि मेरे प्रत्येक कार्य पर ईश्वर की नजर है, तो फिर वह कोई भी गलत कार्य नहीं करता। इसका अर्थ क्या होता है कि उसका, उसे ज्ञान हो गया है, उसकी अंतरात्मा जाग गई है, और अब वह कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें शेष अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।